दीदी, तो दीदी चढ़ने की कोशिश करेगी, दीदी का वेट है ज़्यादा, दीदी चढ़ी, एक दो तीन, पर दीदी चढ़ नहीं पाई। तो दीदी ने बुलाया कंडक्टर, यहाँ का वो कंडक्टर आ गया। अब दीदी ऐसा चढ़ी गई फाइनली दूसरी वाली, तो आराम से चढ़ गया। तो पतली दीदी, तो काली वाली दीदी को, काले सूट वाली दीदी को हम सजेस्ट करेंगे, दीदी थोड़ा वेट कम करो, झूले पे चढ़ने में समस्या हो रही है। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जैसा मेरा प्यार है वैसा मेरा प्यार है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। अरे नहीं, आप घबराइए मत, मैं आपको कोई गाना वाना नहीं सुनाने वाला। दरअसल मैं कल ये गाना सुन रहा था, तो मुझे बच्चे की आवाज़ बहुत अच्छी लगी, मैंने जी भर के गाना सुना और फिर मैं टीवी देखने चला गया, तो एज़ यूज़ुअल बी फॉर यू मूवीज़ पे मेला मेला मूवी आ रही थी रूपा वाली, और उसमें भी ये गाना चल रहा था। मेला दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है। तो दरअसल हमारे शहर शामली में भी एक ट्रेड फेयर लगा हुआ है, साधारण भाषा में कहूँ तो मेला, इसका पोस्टर देखा मैंने कई जगह लगा हुआ। तो बच्चे की आवाज़ सुन के और मेला का हिसाब किताब देख के मेरे अंदर भी जो है चूल उठ गई, मैं कहा मेला देख के आते हैं। तो उस मेले के अंदर हमने क्या देखा वो चलिए आप भी देख लीजिए, हमारे शहर शामली का ट्रेड फेयर। तो दोस्तों ये है एंट्री और एग्ज़िट गेट इस ट्रेड फेयर का, शामली ट्रेड फेयर डायनासोर पार्क, जो कि आप देख पा रहे हैं। इस पे आप देख सकते हो कि ऊपर लिखा हुआ है 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, जो कि यहाँ पे आपको शायद ही फॉलो करने को मिलेगी। जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में ये व्यक्ति जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे है 2 व्हीलर पार्किंग, 10 रुपये चार्ज लगेगा, और जिस दिन मैं गया था उस दिन ये फुल हो चुकी थी, तो बाहर भी पार्किंग लगी हुई थी। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं, काफ़ी काफ़ी लोग निकल भी रहे हैं, और पुलिस वाले भी खड़े हैं उनकी सुरक्षा के लिए। और ये अपोजिट साइड में जो आप देख रहे हैं ये है गाड़ियों की पार्किंग। तो फिर से मेन गेट पे आ चुके हैं, ये ट्रेड फेयर का आपका मेन गेट है, यहाँ से एंट्री होती है और यहाँ से एग्ज़िट होता है। तो चलिए अब हम अंदर आ चुके हैं। अंदर आके हमने देखा कि भैया सबसे पहले लेफ्ट साइड में जो था वो डायनासोर पार्क वाला कॉलम था, और देख सकते हैं कि भाई की आँख में कुछ गिर गया है, और भाई चुपचाप जो है मुझे एक ही आँख से लुक देते हुए निकल गया। ये दुकान आप देख सकते हो, ये है आग वाले पान की दुकान, इस पे लिखा हुआ भी है पेटीएम एक्सेप्ट किया जाता है यहाँ पे, शगुन पान भंडार इसका नाम है। और तो ये है पान की दुकान, और अभी ये देख सकते हैं आप यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो है, ये एक ऊँट है यहाँ पे, ऊँट के ऊपर बैठे हुए हैं, खुश हो रहे हैं। और ये आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो जुरासिक पार्क के बिल्कुल डायनासोर वाले, जो ये रोबोटिक डायनासोर है, इसके अंदर जाने का जो चार्ज है भाई वो है 60 रुपये, ये एंट्री गेट है इसका, और एग्ज़िट गेट जो है इसका राइट साइड में है। तो पाजी अभी यहाँ से निकले हैं और कुछ बच्चे फ़ोटो वोटो खींच रहे हैं, और एक पतला लड़का हरी हुई हरी सी टी शर्ट में बोल चुपाला साइड में वो निकल गया। अब ये देखो किसी का बच्चा ही रो रहा है, ऐसे सीन आपको अक्सर मेले में देखने को मिल जाते हैं। तो अब ये देखो ये जुल्फ वाला लौंडा जो पीछे को देख के गया, अब आपको मेरी चीज़ दोबारा दिखाते हैं। तो ये नई नई उम्र की मोहब्बत है भाई बच्चों की, ये आप देख सकते हैं। स्पेशल मुझे इस पे ध्यान गया, ये है बनारस की कारपेट्स, और यहाँ पे हमारे रहीम भाई से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि वो बनारस से ही इसको जो है लेकर के आए हैं, और काफ़ी सुंदर सुंदर बुनकर या कारपेट या कालीन जो भी आप कहें, ये बहुत अच्छी डिजाइनिंग से बनी हुई है। क्या बोलते हैं इनको? कालीन है सर, कारपेट। कहाँ से लाए? भदोही बनारस। आप बनारस से आए हो यहाँ पे? जी सर। ये जानकारी कौन देता है कि ट्रेड फेयर कहाँ लगने वाला है? ये आपको मेरे पास नंबर ना सब बटा हुआ है। अच्छा, मैसेज आ जाता है व्हाट्सएप वगैरह पे, मैसेज भी सब आ जाता है। और बुनकर हमारा कार्ड होता है सरकारी, वो भी बना हुआ है, उसमें हमारा आ जाता है, लेटर भी आता है घर पे। तो कहीं कहीं तुमको तो ट्रक लगते होंगे लाने के लिए? हाँ सर, ट्रक छोटा आती पिकअप जिससे भी। ये आंटी जी उठा उठा के देख रही हैं कि भैया कौन कितने गज है। जुरासिक पार्क का सबसे बड़ा जो आकर्षण का केंद्र है वो मेनली जुरासिक पार्क का एग्जीबिशन ही है।
और 60 रुपये फीस है, इसलिए ज़्यादा लोग वहाँ पे जाते नहीं, इसलिए खाने पीने के स्टॉल्स पे लोगों का ध्यान यहाँ पे जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरठ की मशहूर केसर पिस्ता बादाम की कुल्फ़ी मिल रही है। बैनर पे तो खैर कुछ लिख दो जगह शामली की ही होंगी, बट आपको जूस शेक्स भी मिल रहे हैं यहाँ पे, पिज्ज़ा भी मिल रहा है भाई। स्टॉल्स पे काफ़ी सारी चीज़ें खाने की है, और चाउमीन मिल रही है 60 रुपये की, चिल्ली पटेटो में पटेटो मिल रहे हैं 60 रुपये के, और दिल्ली फूड प्लाजा का बैनर लगा है तो मुझे लगता नहीं दिल्ली वाले हैं, बट इट्स ओके। छोले भटूरे भी 60 रुपये हैं, तो सारी चीज़ों का स्टैंडर्ड रेट रखा है भाई उन्हें, 60 रुपये, 60 रुपये में कुछ भी खा लो भाई। तो कुछ लोग होते हैं जो आएंगे यहाँ पे और उनकी वाइफ कुछ नहीं बनाने की, ये देखो पीछे ये है आपका आइसक्रीम का पार्लर और ये है पिज्ज़ा कैफ़े। तो ये एक ये चीज़ है भाई, अमेरिकन भुट्टा स्वीट कॉर्न, वाह स्वाद हो तो ऐसा, ये इसकी टैग लाइन है। तो ऐसा स्वाद चाहिए तो यहाँ आप जा सकते हैं। तो ये हैं सारे फूड के स्टॉल्स। अब देखते हैं कुछ हाउस डेकोरेशन की चीज़ें। तो ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, इन्हें गमले कह लो फ्लास्क कह लो, मुझे नहीं पता इनको क्या बोलते हैं, बट बहुत सुंदर चीज़ है। रूम में भी रख सकते हैं इनको, फ्लावर लगा के इन पर, और बालकनी में भी और बाहर कहीं पे भी, और एक कलश बोल रहे हैं इनको, क्या भी बोल रहे हैं, सुंदर सुंदर सजावट की चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे। चीनी मिट्टी की शायद ये बनती है, बहुत बढ़िया लग रही है मुझे तो देखने में, और लोगों का ध्यान भी आकर्षित हो रहा है इस तरफ। तो ट्रेड फेयर का मतलब ही है भाई व्यापार, और ये पीछे देख सकते हो आप कप ग्लासेस और मग्स ये सब हैं यहाँ पे, और फर्नीचर भी है पीछे, और ये बढ़िया चीज़ लगी मुझे तो देखने में। अमेरिकन भुट्टा के पीछे ये स्टॉल लगा है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप जाके देख सकते हैं, लेना चाहे ले सकते हैं, कंपनी का प्रचार है, आप लोगों का फ़ायदा है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात है नहीं। और यहाँ पे खेले जा रहे हैं भाई गेम्स जो वो खेले जाते थे ना, कि भाई शूटिंग करना है और गुब्बारे फोड़ने हैं, और बड़ी बॉल से एक एक शॉट में ही सारे गिलास गिरने पर उचित इनाम दिया जाएगा। दूसरा ये है भाई हौसला रिंग, मनोरंजन स्टॉल, रिंग को पाइप में डालना है तुमको तो आपको इनाम दिया जाएगा। और राइट साइड में है एक कि अगर आप ये नंबर लाएंगे 12, 18, 24, 28, इनके सही जोड़ पे अगर आपने बॉल को फेंक दिया तो आपको इनाम मिलेगा। इनाम भी बहुत सारे हैं, बट ये स्कीम आप समझते ही हो कैसी होती है, 100 में से किसी एक को मिलता है, बट इट्स ओके, फन है, मज़ा आता है। सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, सबसे बढ़िया चीज़ है मेले की, सब खुश देखते हैं, मस्त एकदम बिंदास, छोटा बच्चा से ले बूढ़ों तक सब मस्त देखते हैं। अब ये है एक पानी का पानी की शेप में कुछ डाला हुआ है, और इसमें मुझे तो एक ही बच्चा दिखा भाई, वही बेचारा रोड़क रहा था, कभी इधर गिर रहा था कभी इधर गिर रहा था, वो अकेला इसमें रोलिंग रोलिंग खेल रहा था। तो पानी के ऊपर एक वो बना दिया, और इसमें बच्चों को आप एंजॉय करा सकते हो। अब यहाँ से एक भाई गुजरा, कह रहा वही फ़ोटो खींचेंगे यहाँ से, तो बहुत लोग फ़ोटो खींचने भी आते हैं, कुछ मेरे जैसे लोग वीडियो बनाने भी आ जाते हैं। अंकल जी भी देख के चुपचाप तिरछेने का होता है, अंकल जी मैं तो सबकी बना रहा फोटो, आप टेंशन ना लो, सिर्फ आपके लिए बना रहा। तो भाई ये जैन मसाला पॉपकॉर्न, जैन सुपर सॉफ्टी और जैन बॉम्बे, तो सब जैन बॉम्बे दिल्ली सब आ रहा है, धूम मचाले भी है यहाँ पे एक, ये आप देख सकते हो, ये है धुआं यहाँ पे कुछ, ये बोलता है एक बार तो ट्राई तो बनता है, कुछ धुएँ का सिस्टम था, मैंने ज़्यादा जाके देखा नहीं इसके अंदर, बट अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। और ये है भाई, ये है भेलपूरी आई थिंक, तो इसमें इसमें जो है सबसे शुरू में तो है भुजिया, ऊपर है वह चने वाली दाल, और इस पर जो है बहुत सारे नींबू और बहुत सारे टमाटर और प्याज वगैरह रख रखे, तो नमकीन बेचने का सामान है ओवरऑल। और ये इस छोटे से पिकअप में है भैया जिया सोडा शॉप, यहाँ पे सोडा मिल रहा है, तो अपना अपना क्वार्टर ले आओ, सोडा के साथ मिला आराम से पी लो, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है। भाई एयर मीटिंग कर रही है, देख सकते हैं आप आजकल का कटिंग, साइड में बहुत छोटे छोटे बाल लगते हैं, बीच में बड़े बड़े, सारे सस्ते हार्दिक पांड्या बनते हैं। और ये है भूत बंगला भाई साइड में, उसमें भी जाके भी देखेंगे। और ये देखिए ये है शानदार नज़ारा, यहाँ पे 5-6 जो भी किसी मेले के अंदर, या मेरठ में नौचंदी लगती है बेसिकली, उसके अंदर भी जो
जितने प्रकार के भी झूले लगते हैं, नाव वाला, बड़ा रिंग वाला, और वो ट्रेन, और एक इधर उधर डोलने वाले होते हैं, वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये आ गए हम भूत बंगले की तरफ। तो भूत बंगले में लिखा हुआ था कि भाई डरना मना है, और भूत बंगले में अगर आप नहीं गए तो जाके देख सकते हो, मैंने तो एक बार ही देख रखा है, कुछ खास ऐसा डर लगता नहीं, लेकिन जिनका दिल कमज़ोर है भाई वो दूर ही रहें तो ही बढ़िया है, क्या पता अंदर क्या निकल जाए। अच्छा, झूले का काउंटर ये है, बेहिसाब भीड़ है भाई यहाँ, ऑलरेडी एक राउंड चल रहा है, ऊपर दूसरे लाइन में लगे हैं, तीसरों का टिकट कटने लग रहा है। तो ठीक ठाक कमाई कर लेते हैं ये लोग, लेकिन सजावट और सारा इंस्टॉलेशन ये सब भी तो मैटर करता है, बंदों की मेहनत भी है भाई, इतनी सारी बिजली फूक रहे हैं। खैर जो भी है, बट अच्छा लग रहा है देने में, लोग चिल्लाते हैं तो और बढ़िया लगता है। तो वही है, मेले का मेन पर्पज़ ही यही है कि सब आके यहाँ बच्चे बन जाते हैं, कोई बड़े बड़े भी झूल रहे हैं, लेडीज़ झूल रही हैं, जेंट्स भी झूल रहे हैं, बच्चे भी झूल रहे हैं, तो रिलैक्स हो जाता है। और COVID-19 के बाद हमारी शामली में आई थिंक ये पहला ही ऐसा मेला या ट्रेड फेयर टाइप का कुछ लगा है, और बढ़िया नज़ारा। ये जो आप देख रहे हो ना, गोल गोल राउंड राउंड जा रहा है, ये सबसे बड़ा झूला है रिंग की शेप में, और पेट में बड़ी गुदगुदी होती है भाई जब ऊपर से नीचे आते हैं। और उसके जो लेफ्ट साइड में है, ये है शायद नाव वाला, अभी मैं इसको क्लोज जाके कवर करूँगा तो वहाँ पे देखेंगे, लेकिन मुझे ये रिंग वाला बड़ा अच्छा लगता है इसलिए मैंने इस पर वीडियो बना के रखी है। तो भाई ये देखो, ये एक रेलगाड़ी कह लो, मालगाड़ी कह लो, कोई सी गाड़ी कह लो, आगे जो है बड़ी बढ़िया सा कार्टून सा लग रहा है, उसमें चार पांच डब्बे हैं और घूम रहे हैं, देखो लोग बाग मजे ले रहे हैं। चेक वाली शर्ट में क्या गजब का बेचारा दूर से देख रहा। तो देखो दूसरे राउंड पे आ गई है, और एक दो तीन चार पाँच पाँच डब्बे हैं भाई इसमें, आई थिंक चार लोग बैठ सकते हैं। राइट साइड में अगर आप देखो तो ये रिंग रिंग के अंदर दीदी, तो दीदी चढ़ने की कोशिश करेगी, दीदी का बेटा जाता, दीदी चढ़ी, एक दो तीन, पर दीदी चढ़ नहीं पाई, तो दीदी ने बुलाया कंडक्टर, यहाँ का वो कंडक्टर आ गया। अब दीदी ऐसा चढ़ी गई फाइनली, दूसरी वाली तो आराम से चढ़ गया, तो पतली दीदी, तो काली वाली दीदी को, काले सूट वाली दीदी को हम सजेस्ट करेंगे, दीदी थोड़ा वेट कम करो, झूले पर चढ़ने में समस्या हो रही है। ये पीछे आप देख सकते हो, ये गाड़ी में छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं गोल गोल, और सब खुश हो रहे हैं देख देख के भाई, बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। तो देखो ये गोल गोल राउंड शुरू हो गया झूला, कई सीट तो खाली है, कई जगह खाला जान बैठी, कई जगह भैया लोग बैठे, कई जगह दीदी लोग, और ये धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगा, जब पूरी स्पीड पा जाएगा तो इधर उधर बहुत मज़ा आएगा इसको देखने में। देखना ये धीरे धीरे स्पीड पकड़ना अब शुरू हो गया, सब डब्बों के पीछे अरमान लिखा है, नहीं अरमान कंपनी हो या भाई हो, अरे देखो गोल गोल घूमने लगा, आने का मज़ा, जैसे जैसे तेजी तेजी घूमेगा वैसे वैसे पेट में खलबली मचेगी। दीदी हराई थी भी तेजी से निकल गई पुर, कुछ लोग वीडियो बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं इसमें, लेकिन जो समझदार है वो बाहर स्टेबल वीडियो बना रहे हैं। तो ये देखो ये खाली था वो निकल गया, दीदी और फिर आए पेंट निकल गए, ये अरे वाले में भाई यार, ये तो ये गोल गोल होने में पूरा गुली गुली हो रही होगी, इमेजिन किया जा सकता है। ये देखो इधर ये बेचारे फिर से ट्रेन मारे, तो भाई मेरे हिसाब से ये ट्रेन वाला सबसे बेकार सिस्टम है, इसमें नाने का कुछ भी मज़ा मेरे हिसाब से, ये गोल गोल वाला इसमें है फुल मज़ा, और वो रिंग वाले में और नाव वाले में भी खूब मज़ा आ गया, तो इन तीन में जा सको तो यही है भाई मज़ा। खैर मजाक में कुछ मजाक की बातें अलग हैं, लेकिन सीरियसली जिस तरह के स्ट्रेस में आजकल ज़िंदगी चल रही है सबकी, और अनसर्टेन है कि आगे क्या होगा, उसमें ऐसे नज़ारे देखना अपने आप में ही बहुत खुशी की बात है, और अगर आप लोग जाना चाहें जा सकते हैं। तो भाई मुझे तो रूपा वहाँ मिली नहीं, आपको मिले तो बता देना मुझे, और एंड में बस यही कहना चाहूँगा, जाने मेरी जाने मन बसपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, बसपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जाने मेरी जाने मन बसपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, सस्सा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बसपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जाने मेरी जाने मन बसपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, सस्सा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बसपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। I gave my love to you,
चेहरे से तेरे जाने ना दू हंसी और आंखों से तेरी आंसू ना आने दू मुझको बता मेरे बिना तू क्या करेगी किसकी बाहों में जाके आहे तू भरेगी मुझको फिक्र नहीं ये दुनिया क्या कहेगी तू ही थी तू ही है तू ही रहेगी Jamal.